दोस्तों आज के स्टूडियो के तरफ करने वाले स्टूडेंट 15 के रॉयल पास के वीक 8 के मिशन का एक्सप्लेन। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन मिशन से रिलेटेड तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपका सारा कुछ कंफ्यूजन स्टडी में क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश्वर, आप देख रहे थे गेमिक्स क्लर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समय वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे यार पबजी वर्ल्ड इंडिया के अंदर बैन हो चुका, सर्वर भी डाउन हो चुके। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग अभी तो यार ऑफिशियल वर्जन को नहीं खेल रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑफिशियल ग्लोबल वाला ही है। और भाई यहाँ पे जुगाड़ करके गेम को तो ओपन कर ही दिया। और गाइस यहाँ पे यार वीक 1 से लेकर वीक 7 तक सारे मिशन का एक्सप्लेन किया है, तो फिर यार एक वीक को भी छोड़ना क्यों? तो इसलिए यार मतलब सोचा कि यार वीडियो तो बना ही देते हैं। यहाँ पे 92 मेरी आरपी हो रही है और गाइस यहाँ पे अभी मिशन तो सारे भाई वीक 8 के आ चुके, कंप्लीट कर दिए, तो भाई यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। गाइस यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले मिशन की, जो कि भाई फिनिश इन टॉप 10। ओके गाइस यहाँ पे फिनिश टॉप 10 नहीं, फिनिश इन द टॉप 3 इन स्क्वाड मैच 2 टाइम्स इन क्लासिक मोड। तो भाई यहाँ पे यार पहला मिशन एकदम ही सिंपल है भाई, यहाँ पे आपको टॉप 3 में आना है, वो भी 2 बार, मतलब कि 2 मैच के अंदर। और गाइस ये क्लासिक मैच मतलब कि मेरा हमारा रहेगा सहनोक वीकेंड, इनमें से कोई भी मैप होगा आपका चल जाएगा। तो आपको भाई जैसे चिकन डिनर करते हो तो टॉप 1 पे आते हो, टॉप 20 पे, टॉप 10 पे जैसे आते हो, ठीक उसी तरह से जैसे टॉप 3 में होके आओगे तो भी सर आपका ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर देख सकते हो मेरे को 30 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले, सिर्फ 75 पॉइंट्स का था। तो एक्स्ट्रा ऐसे मिलेंगे कि आप अगर अपने फ्रेंड के साथ मिशन को कंप्लीट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट मिशन की, जो कि भाई इसके अंदर हमको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लीट 6 मैचेस इन आर्केड मोड। तो भाई यहाँ पे यार कंप्लीट 6 मैच मतलब कि भाई आपको 6 आर्केड मैच खेलनी है। आर्केड मतलब भाई पता ही होगा जो भी भाई मतलब जैसा एरिना होता है, तो यार बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझते होंगे। और यहाँ पे इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है किल 8 एनिमीज इन अ सिंगल मैच इन क्लासिक मोड। तो आपको 8 बंदों को किल करना है, कोई भी गन से करो, कहीं पे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लासिक मोड के अंदर ही होना चाहिए और एक ही मैच के अंदर करना है। अगर 2 मैच का 4-4 करोगे ऐसा नहीं चलेगा। और इसके अलावा अगर ये नहीं कर सकते तो आप 16 बंदों को भी 1 मैच के अंदर मतलब कि एरिना के अंदर, जो कि यार सिंपल है, 16 बंदों को मारना ज्यादा तो भाई बड़ी बात है नहीं, आप इजिली कर सकते हो। तो इन तीनों में से कोई भी मिशन अगर आप कंप्लीट करोगे तो आपको 125 पॉइंट्स मिल जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट मिशन की, जो कि भाई कल 3 एनिमीज विद M24 इन एनी मोड। तो M24 भाई एक स्नाइपर है, बोल्ट एक्शन स्नाइपर। तो भाई इस गन से मतलब कि स्नाइपर से 3 बंदों को किल करना है, वो भी एनी मोड लिखा है, तो मतलब यार एरिना के अंदर ही आप अगर 16 बंदों को किल कर रहे जा ही रहे हो तो इसके साथ साथ आप जो है M24 से भी कर देना, फिर कहीं पर भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिशन आपका इजिली कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा बात कर रहा है नेक्स्ट मिशन की, जो कि भाई किल 20 एनिमीज विद वेक्टर इन एनी मोड। तो भाई यहाँ पे यार देखोगे ज़्यादातर सारे मिशन मेरी कंप्लीट है, तो भाई वेक्टर गन तो जानते होगे। तो भाई यहाँ पर कितनी सिंपल बात है, मतलब सिंपल बात यहाँ पे बोले तो तीनों मिशन एक बार में अगर चाहो तो भी कंप्लीट कर सकते हो। कैसे? तो अगर आप वेक्टर से एरिया के अंदर जाकर 20 एनिमीज को किल करोगे तो भी यार एक साथ में तीनों तो नहीं, मतलब N24 और वेक्टर दोनों से ही मारोगे तो भी आप एरिया के अंदर इसको कंप्लीट कर ही लोगे। सिर्फ याद रखना कि लोडआउट के अंदर वेक्टर और M24 दोनों को ही ऐड कर दो अगर आप इसको एरिया के अंदर कंप्लीट करना चाहते हो तो। इसके अलावा बात कर रहे हैं नेक्स्ट मिशन की, तो भाई यहाँ पे वो मिशन निकल कर आता है जो लोग रॉयल पास परचेज नहीं करते उन लोगों के लिए। तो भाई यहाँ पे इसमें अंदर हमारा फर्स्ट मिशन है किल 1 एनिमी विद इन 60 सेकेंड ऑफ लैंडिंग इन क्लासिक मोड। तो ये मिशन यार कुछ लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, आपको बस एक बंदे को किल करना है, मतलब किसी भी एक एनिमी को किल करना है, वो भी आप जब लैंड करते हो तो लैंड करते ही आप जैसे जमीन पर लैंड करते हो उसके 1 मिनट के अंदर अंदर आपको एक को टपका ही देना है तो ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा, वो भी क्लासिक मोड के अंदर, याद रखना। तो भाई यहाँ पे यार ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जैसे उतरते हो, ऐसा नहीं कि भाई उतर गए मैच एंड होने को आई है तब एक किल कर दो, नहीं, जैसे उतरते हो तो लैंड करते ही 1 मिनट के अंदर अंदर आपका एक किल हो ही जाना चाहिए, तो ये मिशन भी आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट मिशन की, जो कि भाई यहाँ पे पिकअप फ्लेयर गन इन 5 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो यहाँ पे आपको सिर्फ फ्लेयर गन को पिक करना है, वो भी 5 अलग अलग मैच के अंदर। ऐसा नहीं कि एक ही गन के अंदर 5-5 फ्लेयर गन लेकर बैठ जाए, वैसे 5 से यार कौन पिक कर पाता है 5, ऐसा नहीं कि भाई पिक करो ड्रॉप करो तो नहीं होगा, 5 अलग अलग मैच के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा बैच के अंदर। अगर आपके टीममेट्स को भी मिल जाती है फ्लेयर गन तो यार उससे बस एक बार के लिए मांग लो, चलाने की जरूरत नहीं है, बस हाथ में पकड़ लो तो ही बहुत है, बस हाथ में पकड़ के और कुछ करना नहीं है। और भाई यहाँ पे अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो 2 RP मिशन काट के, जैसा कि मैंने किया था इसको। तो भाई यहाँ पे इसके अलावा बात कर रहे हैं नेक्स्ट मिशन की, जो कि भाई डीलर टोटल ऑफ 500 डैमेज विद हेडशॉट इन क्लासिक मोड। तो यहाँ पे हेडशॉट से डैमेज देना है, मतलब किसी को भी मारते तो उसको डैमेज तो पड़ता ही है। तो आपको करना क्या है कि क्लासिक मोड जब खेलते तो 5 बंदों को किल करना है, वो भी हेडशॉट मार के, मतलब कि सर के गोली मारनी है।
स्नाइपर से अगर आप हेडशॉट मारोगे या फिर किसी से भी मारोगे तो हेडशॉट से बंदा मर जाएगा, तो मिशन भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आप डू या फिर स्क्वाड खेल रहे हो तो कोई भी बंदा नॉक होगा तो आप एक बंदे से 200 डैमेज ले सकते हो। तो याद रखो बस कि यार कुछ भी करो, कोई भी गन से मारो, बस सर पे गोली मारो बस, और कुछ मत करो क्लासिक मोड के अंदर, तो भाई ये मिशन तो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट मिशन की, जो कि यार बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर आप उसे पेन किलर, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, ये जो ऑरेंज डिवी आपको दिख रही ना, इस ऑरेंज भाई ये जो गोलियां है पेन किलर, इसको भाई आपको खाना है, और वो भी आपको 28 टाइम्स, मतलब कि 28 बार आपको इस पेन किलर को यूज़ करना है। आपको पता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती, बस 28 हो 28 एक ही मैच में मिल गई तो भी चलेगा। वैसे आपके फुल हेल्थ हो जाने के बाद भी आप जितनी बार चाहो इसको खा सकते हो, तो ऐसा कोई है नहीं। और अगर आपका फ्रेंड भी इसको, मतलब यहाँ पे रूल्स आप पढ़ लेना, तो इसके मुताबिक इस जो है TNC को अप्लाई करते हो, अगर आपका फ्रेंड भी इसको यूज़ करेगा तो भी आपका भाई ये कंप्लीट हो ही जाएगा। अभी मेरा बस 11 बार जितना समथिंग बाकी है, तो ये भी हो ही जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई यहाँ पे अभी तो यार खेलना भी यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, तो भाई जितने मैंने कंप्लीट कर लिए वो कर लिए, अभी देखते हैं 100 RP होती है फिर नहीं, सारे कलेक्ट करेंगे अभी हम। अगर ये मिशन इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ये नहीं कर सकते तो भाई यहाँ पे नीचे जो है ऑप्शन, तीन ऑप्शन वाला मिशन है, तो भाई यहाँ पे इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लैंड ऑन एनी रूफटॉप इन हॉस्पिटल एरेंगल 3 times इन क्लासिक मोड, तो लैंड करना है आपको हॉस्पिटल जो लोकेशन है वहाँ पे 3 लैंड करना है। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बार जाओगे लैंड करोगे वापस से एक ही मैच के अंदर कर पाओगे, डेफिनेटली यार 3 मैच के अंदर ही करना पड़ेगा, जैसे लैंड करोगे मिशन इजीली कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अगर आप एरेंगल नहीं खेलते तो मीरामार के अंदर भी कर सकते हो ट्राई, जहाँ पे ये लोकेशन है EL पोजो, तो वहाँ पर भी जाकर आप सेम मतलब 3 ही लैंड करना है। या फिर इसके अलावा मीरामार तो नहीं खेलते तो सैनोक भी खेलते ही होंगे, तो भाई यहाँ पे बूट कैंप सभी लोग जानते होंगे, जानी मानी लोकेशन है। तो इन दोनों में लोकेशन में जहाँ पे भाई हॉस्पिटल EL पोजो बूट कैंप तीनों में से कोई भी लोकेशन पे 3 किसी भी घर की छत के ऊपर लैंड कर जाओ, ये मिशन इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 50 का यह मिशन है। इसके अलावा बात करें लास्ट मिशन की, जो कि भाई पिकअप स्पेटनेस हेलमेट Level 3 इन 10 इन क्लासिक मोड, तो Level 3 का जो हेलमेट होता है जो कि आपको इजीली मिल जाएगा एयर ड्रॉप्स के अंदर, या फिर हर कहीं पे भी पड़ा हुआ मिल जाता है, तो उसको लेकर बस एक बार पहन लेना है और कुछ करना नहीं है। 10 मैच के अंदर आप जैसे इसको करोगे आपका ये मिशन इजीली कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह आप सारे मिशन को इजीली कंप्लीट कर सकते हो। मैंने कर दिए सारे मिशन एक्सप्लेन, होप कि आपको समझ में आ गया होंगे। आपको कोई डाउट है किसी भी मिशन को लेकर तो कमेंट में लेकर पूछ सकते, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जाके फॉलो कर लो। और अभी पबजी बैन है तो यार आपको भाई खेलने में तो दिक्कत आ ही रही होगी, लेकिन यह वीडियो आपके लिए आती रहेगी। तो भाई यहाँ पे करते हैं कलेक्ट ऑल, और फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो 538 ओके मिल चुके हैं, और भाई यहाँ पे 98 RP हो चुके हैं। भाई सिर्फ 2 RP कम पड़ रही है, भाई ऐसा क्यों? तो भाई यहाँ पे मतलब अभी 2 RP के लिए हमको मिशन को स्किप करना पड़ेगा। ओके UC वगैरह सब कुछ ही मिल चुका है। ओके करते हैं कलेक्ट ऑल, भाई ये देख सकते हो सारा कुछ रिवॉर्ड मिल चुका है, अभी 2 RP का ही बाकी है। ओके 2 RP के लिए, और 4 तो सिर्फ 1 RP मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, तो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिशन भाई मिलते रहेंगे, डेली कलेक्ट करूंगा तो भी यार हो जाएगी मेरी 100 RP। और भाई आप भी अभी तक 100 RP हुई या फिर नहीं हुई कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और कितनी है बताना जरूरी है कमेंट में लिखकर। विकेट कब का आ चुका था, लेकिन ये मेरी गलती का, भाई मैं नहीं खेलता इस वजह से मैं हमेशा ही पीछे रह जाता हूँ। दोस्तों बस यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा इस वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक बहुत मोटिवेट कर देगा तो बनता है चैनल पर। अगर पहली बार आए हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना, बहुत ज्यादा क्लोज 40K सब्सक्राइबर, प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करना। मिलता है स्टूडेंट, स्टे ट्यून, टाटा एंड टेक केयर।